जय हिंद एवरीबडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर, एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट थिंग, लेट्स डिस्कस सम बेसिक्स अबाउट दिस SSB इंटरव्यू प्रोसीजर। नाउ SSB इट स्टैंड्स फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें सर्विसेज जो हैं आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। नाउ दिस इज बेसिकली अ 5 डेज इंटरव्यू टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। नेक्स्ट, इस इंटरव्यू को पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू भी कहा जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ऑल दोज 5 डेज आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और सो कॉल्ड द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, द SSB प्रोसेस इट्स डिवाइडेड इंटू 2 स्टेजेस। स्टेज 1 दैट टेक्स प्लेस ऑन आर day 1 इंक्लूड्स स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज OIR, दैट स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड सेकेंड वन इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। रही बात stage 2 की, stage 2 इन्वॉल्व्स साइकोलॉजी टेस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू, GTO दैट स्टैंड्स फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, एंड ऑन योर day 5 You people will be going through board conference, जिस दिन आपका final result आता है। Now, आज की इस particular video में we will be focusing on the personal interview testing technique. अब first thing is, this testing technique can take place on our day 2, day 3 या day 4। तो कभी भी आपका interview हो सकता है। Once you guys are there in your SSB, you have to be ever ready. कभी कभी आप लोग day 3 और day 4 पे अपना GTO attempt कर रहे होंगे, एंड इन द आफ्टरनून वेन यू विल बी अराइविंग बैक फ्रॉम योर GTO ग्राउंड, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही। तो कभी कभी तो आप यार अपनी व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट शॉर्ट्स में ही इंटरव्यू के लिए चले जाओगे। तो मेक श्योर यू आर एवर रेडी फॉर दिस टेस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट, पर्पज क्या है इस टेस्टिंग टेक्निक का? तो पर्पज इज वेरी सिंपल, टू असेस द कैंडिडेट थ्रू मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन, राइट? अब मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जाम्पल ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बातचीत करते हो, लेट्स एज्यूम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉर्मल, ठीक है? जैसे कि आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या नॉर्मल टेक्स्ट भी करते हो। सो अब जब आप टेक्स्ट करते हो, तो आप यार सामने वाले इंसान को उतना बारीकी से नहीं जान सकते जितना आप उसे एक मीटिंग के थ्रू जान सकते हो, राइट? व्हेन यू विल बी मीटिंग दैट पर्सन, तो आप उसको और बेहतर तरीके से जान सकते हो। अब देखो यार, SSB के पास टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास गप्पे लड़ाने का या फिर टेक्स्ट करने का, सो वो डायरेक्टली तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही बुला लेते हैं, राइट? एंड दिस टेस्टिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट टेस्ट द वाचा फैक्टर और द स्पीच ऑफ अ कैंडिडेट। आपने ये ट्राइंगल बहुत सारे SSB बोर्ड्स के बाहर, जिसमें लिखा होता है मनसा, वाचा, कर्मणा, राइट? मनसा बेसिकली और माइंड। तो जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं आपके, दे विल यू नो असेस द माइंड ऑफ अ कैंडिडेट। वाचा, स्पीच और योर वर्ड्स, आपके शब्द, this thing will be testing in your tested in your personal interview. Third thing is karmana, your actions will be the most important considering your GTO part. This interview will be taken by the interviewing officer, who is the senior of all the assessors in the SSB interview. ab dekho yaar, jo interviewing officer hote hain, he is the senior most assessor in the entire SSB, but definitely unki opinion about a candidate bahut zyada matter karti hai. The time for interview is never specific and it depends on the interviewing officer. अब ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि आपका इंटरव्यू 1 घंटे के लिए चलेगा या 30 मिनट के लिए। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस भी सुने गए हैं कि जब कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट रूम में जाते हैं, एंड मे बी इन 15 और 20 मिनट्स दे कम आउट ऑल्सो, राइट? और कभी कभी ऐसा है यार 1.5 घंटे तक भी इंटरव्यू चलता है। सो मेक श्योर वेन एवर यू एंटर दैट रूम इन साइड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू हैव जस्टिफिकेशन फॉर ऑल योर आंसर्स। द इंटरव्यू मेनली रिवॉल्व्स अराउंड अ फॉर्म नोन एज PIQ फॉर्म। अब देखो यार, इंटरव्यू जैसी चीज़ तो है ना काफ़ी वास्ट है, तो इसमें तो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाएगा कि प्रिपेयर कहाँ से करें। इसलिए एक फॉर्म डिजाइन है, दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर, शॉर्ट फॉर्म है इसकी PIQ फॉर्म। सो वंस यू गाइस गेट स्क्रीन्ड इन, जैसे आप लोग अपना stage 1 क्लियर करते हो, तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपको PIQ फॉर्म्स दिए जाते हैं, तो आपको PIQ फॉर्म भरना भी है, एंड मेक श्योर वो जो आप इंफॉर्मेशन एक PIQ पे भर रहे हो, वही सेम आप बाकी के PIQs पे भी भरते हो। एंड इट्स सेड दैट कि जो आपके PIQ फॉर्म है, इट इंडिविजुअली गोज टू योर साइकोलॉजिस्ट, टू योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड ऑल्सो टू योर GTO, राइट? नेक्स्ट, ये जो नीचे यार कोटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये फ्रॉम माई पास्ट 10 SSB अटेम्प्ट्स ऑल्सो, लाइक यू नो आई बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट सुटेबल कोटेशन फॉर आर पर्सनल इंटरव्यू थिंग, दैट इफ यू फेल टू प्रिपेयर बी प्रिपेयर टू फेल. क्योंकि यार इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, अभी जब हम PIQ फॉर्म फिल करेंगे एंड नेक्स्ट की कुछ वीडियोज में वी विल एनालाइज की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो इतना आप लोग समझ लोगों कि यार 70 to 80% जो क्वेश्चन है ना दे आर रिपीटेड ओनली. बट वट्स रॉन्ग विद कैंडिडेट्स इज दे डोंट प्रिपेयर फॉर इट, दे डोंट जस्टिफाई देयर थिंग्स वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना. सो गाइस नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद फिलिंग अप ऑफ PIQ फॉर्म, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज योर PIQ इज योर फर्स्ट इंप्रेशन टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. सो लेट्स मूव इनटू दैट स्लाइड. ओके गाइस, सो आई होप आप सभी को PIQ फॉर्म दिख रहा होगा और विजिबल होगा. अब अगर हम इसके पर्टिकुलर्स को जाने तो टॉप राइट कॉर्नर में DIPR क्वेश्चनेयर नंबर लिखा होता है. DIPR स्टैंड फॉर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. इसके नीचे OIR लिखा होता है. अब देखो यार आपकी जो OIR की रेटिंग है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, बट कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं होगा. नेक्स्ट, OIR इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे प्लीज आप लोग इस मिथ में मत रहें कि यार आपकी Stage 1 में भी सिर्फ आपका PPDT ही इंपॉर्टेंट है. अगर OIR इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसे 5 दिन में इंक्लूड भी नहीं किया जाता और ना ही वो आपके इंटरव्यू के इस PIQ फॉर्म में भी अपना प्रेजेंस देता. नेक्स्ट, आपका जो भी सिलेक्शन बोर्ड है उसका नंबर और प्लेस, दैट यू गाइज हैव टू राइट इट हियर. टॉकिंग अबाउट योर बैच नंबर, इट विल बी यूनिक एवरी टाइम. सो वहाँ पे जो भी बताया जाता है वो आप यहाँ पे प्लीज फिल कर दें. नेक्स्ट, चेस्ट नंबर. अब आपने देखा होगा यार बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे एक चेस्ट पे एक नंबर वेयर करते हैं, और ग्रुप डिस्कशन हो या कुछ भी वहाँ पे इवेंट हो तो एवरीबडी एक दूसरे को एड्रेस करते हैं बाय कॉलिंग आउट देयर चेस्ट नंबर. वहाँ पे नाम से नहीं पुकारा जाता. तो Stage 2 में आप जो भी अपना चेस्ट नंबर पहन रहे हो वो आप यहाँ पे लिख देना. नेक्स्ट, इफ यू गाइज आर गोइंग थ्रू UPSC एंट्री, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक योर NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, और लाइक CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो आप UPSC पे टिक कीजिए और उसका रोल नंबर लिख दो. अदरवाइज किसी और एंट्री के थ्रू जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल एंट्री स्कीम है, BTech नेवी 10+2 है, या फिर ग्रेजुएशन की AFCAT है, TGC, SSC Tech, NCC स्पेशल एंट्री, JAG एंट्री, तो आप अदर रोल नंबर पे टिक करके उसका रोल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए. नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है नेम इन कैपिटल्स, तो ब्लॉक लेटर में यार आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, द सेम नेम एज इट्स इन योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है. नेक्स्ट, योर फादर्स नेम. अब यार फादर्स नेम भी आप सेम लिखोगे जो कि आपके 10th में है, 12th में, आधार कार्ड एंड इन एवरी डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, फादर नेम से पहले आपको श्री मिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो दैट यू रिस्पेक्ट योर फादर अलॉट. बट देर इज वन थिंग, इफ योर फादर हैज सर्व्ड इन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री और इज स्टिल सर्विंग, सो आप लोगों को यार एक चीज पता होगी दैट अ रैंक नेवर रिटायर्स. आप रैंक को एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो अपने पिताश्री के नाम से पहले. नेक्स्ट गाइज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस जो कि 4th का नंबर ए पॉइंट है. तो आप यार बचपन से लेके अभी तक मैक्सिमम सालों तक कौन से प्लेस पे रहे हो, उस प्लेस का आपको नाम बताना है, इट फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट, एंड ऑल्सो यू गाइस हैव टू टेल द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम यू हैव लिव्ड इन विलेज रामपुर एंड डिस्ट्रिक्ट शिमला इन स्टेट हिमाचल प्रदेश, तो आपको अब अपने विलेज रामपुर की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन भी लिखनी आगे ब्रैकेट में. देखो डायरेक्ट पॉपुलेशन तो यार किसी को पता भी नहीं होगी, है ना, तो आप उसको एक ब्रैकेट दे सकते हो एंड अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन लिख सकते हो. नेक्स्ट, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस. अब कंसिडरिंग प्रेजेंट मंथ दैट इज जून 2024, अब हमें पता है यार प्रेजेंटली फॉर वेरियस पर्पजेज वी आर आउट ऑफ आर होम टाउन. आप में से कुछ लोग अपने एजुकेशन पर्पज के लिए कहीं बाहर होंगे, आप में से कुछ लोग किसी जॉब पर्पज के लिए कहीं बाहर होंगे, तो प्रेजेंटली आप जहां पे रह रहे हैं उस प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में यहाँ पे लिख दो. फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंटली अगर मैं अपनी बात करूँ, यार प्रेजेंटली आई एम रेजाइडिंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में मैं कौन से सेक्टर में रह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एंड आगे चंडीगढ़ लिख लूंगा एंड उस सेक्टर की पॉपुलेशन में यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा. थर्ड थिंग इज परमानेंट रेजिडेंस. इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके आधार कार्ड और जो मेन डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन होता है, वेयर योर फैमिली इज फाइनली प्लानिंग टू सेटल डाउन, आप प्लीज उसको लिख दीजिए परमानेंट रेजिडेंस में. एंड अगर आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है इफ इट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो आप येस लिख दीजिए, अगर नहीं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर नहीं है तो आप नो लिख दीजिए. नेक्स्ट, लेट्स कम टू आर 5th पॉइंट. यहाँ पे आपकी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट जो भी है प्लीज यहाँ पे मेंशन कर दो, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो,
नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर रिलीजन गाइस, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वट एवर रिलीजन यू गाइस फॉलो, आप यहाँ पे प्लीज उसे लिख दीजिए. नेक्स्ट, इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी ऑफ पीपल, SC, ST, OBC, आप यहाँ पे लिख दो. इफ यू गाइज बिलोंग टू जनरल, यू गाइज कैन राइट GEN, और मे बी यू कैन पुट अ डैश. नेक्स्ट, मदर टंग. अब यार यहाँ पे पिंक मत लिख देना प्लीज, है ना, कि पिंक कलर की माई मदर्स टंग इज देयर. वो तो सभी की पिंक कलर की ही है, बट द थिंग इज हेयर दे वॉन्ट टू आस्क यू योर मातृभाषा, कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं. सो अगर आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से की होगी तो यू वुड बी नोइंग देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट आर रिकॉग्नाइज बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉपरली. तो आप उनमें से अगर कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो लिख दो, अदरवाइज राइट हिंदी. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज यहाँ पे लिख दो. एंड अगले क्वेश्चन का मुझे पता ही है, तुम लोग मेरी तरह पक्का सिंगल होंगे, तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे सिंगल ही लिख देना, राइट, बिकॉज बाकी के आपके लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होंगे मोस्टली. गेटिंग इट? नेक्स्ट, हम 6th नंबर पे आते हैं. क्या माता पिता जीवित हैं, पेरेंट्स अलाइव? सो यस, अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं आप यस पे टिक कर दीजिए. नाउ यार, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी इंसिडेंट, एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग, योर पेरेंट्स आर नॉट अलाइव एंड दे आर नॉट एनी मोर विद यू, तो आप नो पे प्लीज टिक कर दो. और यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है जब आपके मदर या फादर की डेथ हुई थी. गेटिंग इट? अब नीचे आते हैं हम पेरेंट्स, गार्जियंस एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन एंड इनकम पे. तो आपके फादर मदर की हाईएस्ट एजुकेशन क्या, ये यहाँ पे लिख दीजिए. आप 10+2 है तो 10+2 लिख दो. अगर आपके मदर बाई चांस BA तक पढ़े हैं तो BA लिख दो, या जो भी चीज़ है. ऑक्यूपेशन की, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या, यहाँ पे लिख दो. अब बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन डाउट होता है कि सर हमारे फादर वॉज सर्विंग इन मिलिट्री बट प्रेजेंटली ही इज इन टू अ न्यू प्रोफेशन. तो आप यार उनका प्रेजेंट वाला न्यू प्रोफेशन यहाँ पे जो भी प्रेजेंट में परस्यू करें वो यहाँ पे लिख दो, और ब्रैकेट में आप लिखिए, आप इतना लिख सकते हो. नेक्स्ट, इनकम पर मंथ लिख दो. अब ये जो भी है आपको सिबलिंग्स की डिटेल, यार दिस यू हैव टू राइट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड रिलेशन वाले सिबलिंग्स, ठीक है, आपके रियल वंस. गार्जियन उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी परवरिश में उनके अंकल आंटी या किसी और ने उनकी हेल्प की है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन रिकॉर्ड गाइस, अब SSB आपकी इन्फॉर्मेशन चाहता है स्टार्टिंग विद योर 10th क्लास मेट्रिक. तो फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है अपना. नेक्स्ट, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10th कंप्लीट की थी, ICSE, CBSE या स्टेट बोर्ड, वो यहाँ पे लिख दूँ. कौन से ईयर में आपने 10th कंप्लीट की थी. नाउ इफ यू गॉट मोर देन 60%, ठीक है, अगर आपके 60% से ज्यादा है, सो एवरी वन ऑफ यू विल बी फॉलोइंग इन फर्स्ट डिविजन, और एंड लगा के आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिख सकते हो. लेट्स अज्यूम आपकी 70% थे. अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी परसेंटेज तो CGPA सिस्टम में है या किसी अलग सिस्टम में है. तो अब देखो यार, इससे आप नॉर्मल परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. इसका कन्वर्जन फॉर्मूला बेसिकली सर्टिफिकेट्स पे भी होता है, या फिर गूगल इज ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल. नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्लासेस होती थी उसमें कौन सी लैंग्वेज मोस्टली यूज होती थी, तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, वट एवर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज देयर, प्लीज राइट इट हियर. नेक्स्ट, आप बॉर्डर थे या डे स्कॉलर थे. अगर आप हॉस्टलर थे जो हॉस्टल में रहते थे तो आप यहाँ पे बॉर्डर लिखोगे, नहीं तो डे स्कॉलर. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट. अब यहाँ पे आपको अपनी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट नहीं लिखनी है कि फर्स्ट इन क्रिकेट या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीजें जैसे कि फर्स्ट इन क्विज और समथिंग. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आपको रिलेटेड टू अपनी एजुकेशन ही लिखनी है. अगर आपने पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आए हो, सेकेंड, थर्ड, सब्जेक्ट टॉपर, पढ़ाई में कुछ ओलंपियाड रिलेटेड था, वहाँ पे आपने टॉप किया है, स्टेट में टॉप किया है, या कहीं रिप्रेजेंट किया है पढ़ाई के मामले में, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक. 10+2 इक्विवेलेंट. अब यार यहाँ पे आप देखो 10+2 में वेरियस स्ट्रीम्स आर देयर, तो PCM वाले बच्चे PCM लिख दो, PCB वाले PCB, कॉमर्स वाले COMM लिख सकते हैं. आप में से किन्हीं कैंडिडेट्स ने अगर डिप्लोमा वगैरह किया वो यहाँ पे अपने डिप्लोमा के डिटेल्स डाल सकते हो. नेक्स्ट, ऑल द थिंग्स रिमेन सेम एज अबव. ग्रेजुएशन के लिए भी यार आप जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दो. लेट्स एज्यूम आपने BTech किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है सिविल में, तो यहाँ पे आप इतना हिंट दे दो BTech इन सिविल. अब यहाँ पे अपना कॉलेज लिख दो और बाकी की चीजें. नेक्स्ट, अब यार कॉलेज टाइम पे ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट, है ना, तो आप यहाँ पे PG भी लिख सकते हो नॉर्मल, दैट यू लिव्ड इन अ PG. और प्रोफेशनली अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, मास्टर्स और समथिंग, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स और परसेंटेज अभी भी आए नहीं है, रिजल्ट आए नहीं है, तो आप यहाँ पे यार डैश लिख सकते हो. एंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन यू कैन कन्वे टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट योर रिजल्ट इज स्टिल नॉट आउट. नाउ गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सबसे पहले 8th पॉइंट पे आपकी पूछी जाती है उम्र, तो अपनी ईयर्स और मंथ्स में यहाँ पे एज लिख दीजिए. नेक्स्ट, योर हाइट इन मीटर्स. अब जनरली यार सबको सेंटीमीटर्स में तो अपनी हाइट पता होती है,
सो जस्ट डिवाइड योर सेंटीमीटर्स वाली हाइट बाय 100 एंड यू विल गेट इट इन मीटर्स. नेक्स्ट थिंग इज आपका वेट, केजीज में अपना वेट यहाँ पे लिख दीजिए. नाइन पॉइंट इज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी. अब यार आप में से अगर आप लोग अभी भी स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट. एंड यहाँ पे क्या पूछा है सेकेंड पार्ट, पर्सनल मंथली इनकम. तो आप यार आजकल देखो बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फुल टाइम जॉब भी करते हैं, तो अगर आप कहीं ना कहीं से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपनी इनकम भी लिख सकते हो. अगर नहीं करते तो यार यहाँ पे निल लिख देना. नेक्स्ट, अगर आप प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में वर्किंग प्रोफेशनल है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कहीं पे मैनेजर हैं, कहीं पे कुछ और प्रोफेशन पे, आप किसी और डिजिग्नेशन पे है, तो आप यहाँ पे उसको लिख दीजिए और अपनी पर्सनल मंथली इनकम लिख दीजिए. नेक्स्ट, एनसीसी ट्रेनिंग, राष्ट्र कैडेट कोर, अगर आपने एनसीसी की ट्रेनिंग हासिल की है तो येस लिख दो, नहीं की है तो कोई बात नहीं, राइट नो. कितनी ट्रेनिंग की है आपने, यू कैन राइट इट हियर इन मंथ्स या ईयर्स एज पर योर विश. विंग, अब यार एनसीसी में भी तीन विंग्स होते हैं, बेसिकली आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो आपने इन तीनों में से कौन से विंग में अपनी एनसीसी की है वो यहाँ पे लिख दीजिए. डिवीजन, अगर आपने स्कूल टाइम पे एनसीसी की थी तो आप यहाँ पे जूनियर लिख दो, अगर आपने कॉलेज टाइम पे की थी तो इट वुड बी अ सीनियर डिवीजन, गेटिंग इट. और कुछ बच्चे होते हैं यार वो जूनियर में भी करते हैं, सीनियर भी करते हैं, तो आप कॉमा डाल के ऐसे लिख सकते हो. सर्टिफिकेट ऑब्टेन, अब जनरली यार एनसीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे वी गेट सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेट ए मिलता है, बी मिलता है एंड द हाईएस्ट वन इज सी. सी सर्टिफिकेट होने का एक बेनिफिट भी है दैट यू विल बी गेटिंग एनसीसी स्पेशल एंट्री डायरेक्टली विदाउट अपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिटर्न एग्जाम. बट आपके ग्रेजुएशन में साथ में क्या चाहिए भाई, 60% मार्क्स भी चाहिए तुम लोगों को, गेटिंग इट. तो यहाँ पे जो आपने हाईएस्ट सर्टिफिकेट ऑब्टेन के यहाँ पे लिख दो. नेक्स्ट, एक और मिथ मैं आपकी यहाँ पे बच्चों की दूर करना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एनसीसी नहीं की तो इसकी वजह से कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा या फिर हमारी सिलेक्शन हैम्पर तो नहीं हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, इट्स अ वेरी बिग मिथ, ऐसा कुछ नहीं है. द मेन थिंग इज आपने कॉलेज में अगर एनसीसी नहीं की तो क्या किया, दैट मैटर्स. बेसिकली आपने 3 साल में क्या क्या चीजें की हैं, आप उनको जस्टिफाई कर दोगे अपने डिसीजन, अपने चॉइसेस को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी मोर देन हैप्पी फॉर इट. बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने बारे में. नेक्स्ट, खेलकूदों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो यार अब देखो देर आर थ्री काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करती है और वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सो दे आर बेसिकली पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके स्कूल या कॉलेज में यार कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती, तो भाई उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, राइट. गलती बिल्कुल उनके इंस्टीट्यूशन की है जिसने ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कराई. थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर गाइज प्रायोरिटी बेस्ड स्टूडेंट्स. अब यार ये ना अपनी प्रायोरिटी को मान के एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में दो चीजें एक साथ आ गई, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी साथ में आ गए और उसी से पहले फॉर एग्जाम्पल एक क्विज कॉम्पिटिशन आ गया. बट आपने क्या सोचा कि यार मैं क्विज कॉम्पिटिशन को रहने देता हूँ, आई शुड फोकस मोर ऑन माई बोर्ड्स और स्टडीज. तो आपने बोर्ड्स चूज कर लिया इसलिए आपकी अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन तो हुई नहीं, सो इट्स टोटली फाइन. इन तीनों स्टूडेंट्स के 100% चांसेस हैं भाई रिकमेंड होने के. कुछ कुछ केसेस तो पर्सनली यार आई हैव सीन इट जिसमें बच्चे ने पार्टिसिपेशन में एक एक दो दो चीजें लिखी एंड दे हैव मेड इट टू द फाइनल मेरिट एज वेल एंड दे आर प्रेजेंटली कमीशनड ऑल्सो. तो प्लीज इस मिथ्या से दूर रहो, आपने जो भी चीज किया है वो क्यों किया है बस आप उसके बारे में क्लियर होने चाहिए. अब यहाँ पे यार आपको खेल और अपनी खेल कूद यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपने खेली, इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, एनी स्पोर्ट्स दैट यू हैव प्लेड. पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, आपने कौन से साल में पार्टिसिपेट किया था, कितने टाइम के लिए पार्टिसिपेट किया था, दैट यू कैन राइट इट हियर. आपने अगर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कुछ अदर जगह पे रिप्रेजेंटेशन रखी है, दैट यू कैन राइट इट हियर गाइस. एंड नेक्स्ट थिंग इज उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अगर आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, प्लीज राइट इट हियर कि आप फर्स्ट थे उसमें, आप मैन ऑफ द मैच थे या बेस्ट प्लेयर अवार्डेड थे, यू कैन राइट इट हियर. तो यहाँ पे आराम से यार 4 या 5 स्पोर्ट्स की जगह आ सकती है, आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि भैया हमने तो रिप्रेजेंटेशन कहीं ज़्यादा किया नहीं, हम नॉर्मली खेलते हैं, हम कैजुअल प्लेयर्स हैं, है ना, कभी कभी खेल लेते हैं. तो भाई कोई बात नहीं, आप कैजुअली भी खेलते हो, राइट योर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हियर, बट द थिंग इज प्लीज हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट स्पोर्ट, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिल्कुल आपसे पूछेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट थिंग, तो आपको रेडी रहना है. नेक्स्ट, बी पार्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट. अब यार एसएसबी जानना चाहता है कि जब आपके पास आपका फ्री टाइम होता है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी क्या शौक और रुचियां हैं. हॉबीज आर बेसिकली दोज थिंग्स जिन्हें आप डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करते हो इन ऑर्डर टू मेक इट प्रोडक्टिव, डेली लाइफ रूटीन में. फॉर एग्जाम्पल कुछ
लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, है ना। एंड बहुत सारी हॉबीज है, देर इज अनगिनत लिस्ट ऑफ हॉबीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट। अब रुचि मतलब लाइक यार इट्स दैट थिंग जिसमें आप इंटरेस्ट है आपका चीज में, बट हो सकता है आप उसको क्या पता डेली रूटीन में ना फॉलो करते हो, कभी कभी कर लेते हो, जैसे कि ट्रैवलिंग, है ना। आप ट्रैवलिंग यार आप 365 दिन तो कर नहीं सकते, बट आप कभी कभी कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो यहाँ पे आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट लिख सकते हो 4 से 5। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब गाइज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जहाँ जहाँ पे भी आपने पार्टी, ओके गाइज, अब आपने लाइफ में यार जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है आप यहाँ पे लिख दो। लाइक आपके ड्रामा कॉम्पिटिशन, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल क्विज में पार्टिसिपेट किया, आपने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, आपने डिक्लामेशन में पार्टिसिपेट किया, आपने NSS में पार्टिसिपेट किया, आपने NCC में कुछ कैंप्स लगाए, वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है, स्काउट्स एंड गाइड्स किया है, ठीक है, एटसेट्रा। ये बाकी के एक्टिविटी ग्रुप पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपने किया है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन कौन से साल में किया था और कितने टाइम के लिए, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ एनी। नेक्स्ट डी पॉइंट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस इज हेल्ड इन NCC, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। तो यार लाइफ में ना हम सबको बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑफर होते हैं जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका मिलता है या हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो आपने जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं लाइफ में यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास मॉनिटर थे कहीं, आपने फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया, आपने एंकरिंग की है, आपने फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमिटी, जैसे कॉलेज में वेरियस कमिटीज एंड क्लब्स आर देयर, आप उसके प्रेसिडेंट थे। तो आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिखी आप प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट नेचर ऑफ कमीशन। अब पता है यार तुम लोगों को देर आर बेसिकली टू कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन। तो जो भी आपका कमीशन है यहाँ पे लिख दो। चॉइस ऑफ सर्विस, आर्मी है तो आर्मी लिख दीजिए, आर्मी के SSV के लिए जा रहे हो, नेवी है तो नेवी लिख दो, और एयरफोर्स है तो आप एयरफोर्स। नेक्स्ट 13 पॉइंट इज नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल द 3 सर्विसेज। तो आप बेसिकली कितने ऐसे अटेम्प्ट दे चुके हैं इंक्लूडिंग योर स्क्रीन आउट्स, स्क्रीन इन्स, कॉन्फ्रेंस आउट्स, रिकमेंडेशन, या जितने भी आपने अटेम्प्ट्स पास्ट में दिए हैं उतने आपको यहाँ पे अटेम्प्ट लिखने। आप में से जो जो फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पे 0 लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे जो जो रिपीटर्स हैं यार हु हैव अटेंडेड 5 डेज ऑफ SSB ऑलरेडी, यहाँ पे आप अपने पिछले SSBs की डिटेल लिखोगे। तो सीरियल नंबर यहाँ पे दे देना कौन सी एंट्री थी, SSB नंबर एंड प्लेस यहाँ पे बता देना, कौन सी डेट को आपने अटेंड किया था SSB, एंड आपका चेस्ट नंबर या बैच नंबर क्या था। अब इसमें से आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया हमें वो डिटेल्स अब याद नहीं है, हमें चेस्ट नंबर और बैच नंबर याद है, तो कोई बात ही हुआ है, इसका लीव इट ब्लैंक, ऐसा कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनके अटेम्प्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मोर देन 10, तो यहाँ पे उनके लिए जगह भी नहीं होगी। तो आप PIQ फॉर्म भरते टाइम पे वहाँ पे आपके सामने स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो आप स्टाफ को प्लीज़ पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द फिलिंग अप ऑफ PIQ फॉर्म। देखो यार मैंने आपको जो भी ये PIQ फॉर्म अभी भरना सिखाया है दैट्स टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको वहाँ पे जाके अगर कभी भी किसी भी मोमेंट पे कुछ डाउट आता है रियल SSB में, तो आपके सामने स्टाफ मेंबर होते हैं एंड एक असेसर होते हैं ड्यूरिंग द इंटायर डॉक्यूमेंटेशन। तो आप प्लीज़ वहाँ पे हैंड अपना रेज कीजिए और सर को पूछ लीजिए कि सर आई हैव दिस डाउट रिगार्डिंग दिस, सो व्हाट शुड आई डू, वो आपको पूरा आराम से बता देंगे। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो अभी हमने रिसेंटली देख लिया यार PIQ फॉर्म को भरना कैसे है। अब देखो यार पर्सनल इंटरव्यू का सीन कुछ ऐसा होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने ऐसे होते हैं एंड बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स उनके सामने होते हैं, राइट, एंड ही विल बी आस्किंग यू सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि हम अगली आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक क्या रहता है। एंड इतना यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 70 to 80% क्वेश्चन वही रहने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड आपको लग जाएगा पता क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं एंड हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट PIQ फॉर्म जब भी आप भरोगे यार मेक श्योर दैट इट्स नीट एंड टाइडी, ठीक है, नीट एंड टाइडी आप PIQ फॉर्म को भी रखना, और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो खुद को प्रॉपर हेयर कट, हैव प्रॉपर ग्रूमिंग, हैव गुड फॉर्मल क्लोथ्स, टाई आप बिल्कुल लगा सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत स्मार्ट लगते हैं उसमें, हैव ब्लैक सॉक्स एंड अ फॉर्मल शूज एंड ऑल ऑलवेज वेयर बेल्ट, गेटिंग इट। नेक्स्ट थिंग इज आप जब PIQ फॉर्म भरोगे मेक श्योर आप उसे कैपिटल लेटर्स में ही भरो, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यार जब आप कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स में भरते हो तो एक क्लैरिटी के साथ वो पेश होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो अपर केस और लोअर केस यूज करते हैं और काफी वो डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग लिखते हैं, तो असेसर को यार बार बार तुमने पूछना पड़ता है कि भाई तुमने लिखा क्या है। सो प्लीज ऐसा आप उनको
बेफालतू का उनका काम मत बढ़ाइए, आप अच्छे से पीआईक्यू फॉर्म भरिए एंड उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट गाइस, बाकी की चीज़ें हम पोस्टल इंटरव्यू के बारे में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड उसके लिए यू गाइस जस्ट प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, अब रही एसएसबी इंटरव्यू क्विज की बात, तो आज का क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड रिसीविंग द AK-203 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच नेशन इन द रिसेंट टाइम्स। सो पहला ऑप्शन में से, सेकेंड ऑप्शन इज इसराइल, थर्ड ऑप्शन इज रशिया और फोर्थ इज इट फ्रांस। जो भी आपको सही आंसर लगता है गाइस, आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली इट वुड बी बेटर कि आप इन चारों कंट्रीज की कैपिटल्स भी बता दें, गेटिंग इट, ताकि बाकियों को भी हेल्पफुल हो जाए। आप इसे जिस जिसका यार कमेंट सही होगा मैं उसको अपना हार्ट भेज दूंगा प्यारा सा, ताकि आप बाकी के बच्चे पहचान लें कि हाँ कौन सा आंसर राइट है, गेटिंग इट। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, पीआईक्यू फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में क्लैरिटी आई होगी, नेक्स्ट पोस्टल इंटरव्यू में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड कैसे हम उसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अगली की एक या दो वीडियोस में आपको लग जाएगा पता। सो गाइज जस्ट प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। विद दिस योर होस्ट अनुराग ठाकुर साइनिंग ऑफ, आई विश यू ऑल द लक। सो एवरीबडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद।